फिक्स था कि मेरे को तुम्हें करना ही है, करना ही है, मेरा तुम्हें टारगेट है और तो हो के रहे। जब हम अपने अंदर डर संकल्प कर लेते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनको रोके। स्थितियां कभी कभी अच्छी भी रहती है, कभी कभी नहीं भी रहती है। जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे मैंने बताया मैं छोटा नहीं था, मैंने ससुराल में भी पढ़ाई, जिम्मेदारियां भी रहती। उन जिम्मेदारियों को साथ में लेके करना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, लेकिन जब हम अपने अंदर अगर ठान लें तो कुछ भी नहीं। ये तो केवल मन की सोच है, आपने सोच लिया होगा तो होगा, मन के हारेगा मन के जीतेगा। और ये चीज मैंने केवल अपने पढ़ाई के टाइम में इसमें ऑब्जर्व नहीं की, मैंने अपने जॉब में भी इस चीज को बहुत ऑब्जर्व किया। अभी मैं बिलासपुर में पोस्टेड हूँ, मुझे बिलासपुर में 15 दिन हुए हैं। इसके पहले मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुंगेली में रही थी, जस्ट पहले लगभग 2.5 साल मैंने मुंगेली में अपनी सेवाएं दी हैं सीओ जिला पंचायत के रूप में। मुंगेली जिला नवगठित जिला है और नवगठित जिले में काम करने के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। छोटा जिला है और स्पेशली नवगठित जिले में हमको रिसोर्सेज की, स्टाफ की, बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कोई किसी स्थापित जिले में जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर जो स्टाफ होता है, जैसे हमारे जो सहायक ग्रेड होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो सब ट्रेंड होते हैं, तो वो उस ऑफिस में हमसे पहले काम करते हैं। तो यदि हमको कोई चीज नहीं आती तो हमको बताते हैं कि इस काम को ऐसे ऐसे करना। लेकिन जब हम मुंगेली में गए तो मुंगेली के जिला पंचायत की स्थापना मेरी पद स्थापना के साथ, मतलब जिला पंचायत ऑफिस नहीं था और वहां पर जिला पंचायत ऑफिस मेरी पद स्थापना के साथ क्रिएट, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि ना तो मुझे कुछ आता था और ना मैं स्टाफ को कुछ आता था, क्योंकि सबकी भर्ती ऑपरेटर की, बाबू की, सबकी, उनकी सबकी भर्ती में तो ना तो उनको कुछ आता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और एज ए सीओ जिला पंचायत में फर्स्ट टाइम था। लेकिन बहुत फिर बहुत भरा है, ये कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन और उसके ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट ने हमको, आपने शायद सुना हो कि मुंगेली जिला खुले में शौच मुक्त जिला था और पूरे स्टेट का सबसे पहला खुले में शौच मुक्त जिला था, तो वो भी एक स्टेट ने हमको टारगेट दिया कि क्योंकि मुंगेली छोटा जिला है और इसलिए आप लोगों को टारगेट लेके काम करना है, टारगेटेड काम करना है और आपको करके देखोगे। तो मेरे तो पूरे हाथ पाँव खुले में जिला मर गया, कहाँ आगे फंस गए, पता नहीं। एक तो वैसे ही छोटा जिला, कोई स्टाफ नहीं, हैंड नहीं, कंप्यूटर्स नहीं, नीचे कोई टीम तैयार नहीं और मुझे भी कुछ नहीं आता, सामने वाले को भी कुछ नहीं आता। और मुंगेली जिले का कुछ सामाजिक परिदृश्य ऐसा है कि वहां थोड़ा सा काम करना हम थोड़ा ज्यादा करें, वहां लोगों को समझाना, कन्विंस करना थोड़ा भी बहुत कठिन। बट फिर जो टारगेट मिल गया था होता ना, शुरू में तो बिल्कुल मन नहीं लगा, ऐसा लगा कि भागवा को ही पोस्टिंग करा लो, यहां से लेकर जाओ। लेकिन फिर ये सोचा कि जब एक बार मौका मिला है तो अपनी पूरी ताकत लगा के, लेकिन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं होगा उससे ज्यादा तो कोई हमारा कुछ भी मिल जाएगा ना, क्या हो, नहीं होगा। जो टारगेट मिला है अगर हम काम करते हैं तो क्या होगा, हमारा सफल होगा बस, और क्या होगा। तो फिर काम करना शुरू किया, एक प्लान बनाया, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी डेडलाइन डेट्स फिक्स की थी, हमको इस स्कीम में ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, अब हमको यहाँ ये प्लान करना है, ये लेवल रीच हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो प्लान बनाया, एग्जीक्यूट करना चालू किया, क्योंकि वो उस जिले का ऐसा मोमेंटम ही नहीं जैसा हमने प्लान बनाया था, उस जिले का ऐसा मोमेंटम ही नहीं कि उस स्पीड में, उस गति में काम हो जाता जिसमें हम चाहते हैं या कर रहे हैं। फिर उस प्लान को रिवाइज किया, फिर हमने थोड़ा और टाइम दिया, हमने थोड़ा और टाइम दिया और अपनी ताकत को जिस ताकत से हम लगे थे उसको और टेन टाइम्स बढ़ाया। फिर धीरे अपनी टीम को बढ़ाया, अपने साथ जो लोग काम कर रहे थे उनको बढ़ाया। फिर अल्टीमेटली धीरे 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 करते 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 इतना फोर्स, इतना मोमेंटम आ गया था कि पूरे जिले के सभी लोग
लास्ट ईयर इन्हीं दिनों की बात है जब हम लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं। पूरे जिले का हर आदमी, हर बच्चा, हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर गांव वाला केवल एक ही बात बोलता था कि मुझे तो खेल में शक्ति कर, क्योंकि हम लोगों ने इतना फील्ड वर्क, इतनी फील्ड वर्क, मैंने नहीं पूरी टीम, क्योंकि कोई भी काम जब हम जिले में काम करते हैं तो कोई भी काम मैं करके नहीं हो सकता, वी हैव टू बिल्ड अप अ टीम। तो हमारी पूरी टीम है, जिसको हमारी टीम को हमारे कलेक्टर मैडम ने गिफ्ट किया और पूरी टीम ने इतनी मेहनत की कि अल्टीमेटली हम लोग अपने गोल को पाने में सक्सेसफुल हुए। बात कहने की बस ये है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं, बात है बस शिद्दत की कि आपके दिल में कितनी आग लगी है उस चीज को पाने। आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है वो मैटर, आप इंसान कैसे बनते हैं वो मैटर। इस जॉब में आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, मैंने जिले में पहले ही काम किया और लेकिन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टारगेट मुझे एज अ विभाग को मुझे मिली में मिला था, जिसमें हम लोग मेहनत से हम लोगों ने पूरी कोशिश की और हम लोग उसमें सफल भी हुए। चैलेंजेस यहाँ पर भी चैलेंजेस बिलासपुर में भी है, यहाँ के चैलेंजेस अलग है, यहाँ का परिदृश्य अलग है, सिचुएशन अलग है। पता नहीं, मैं नहीं जानती कि हम यहाँ कितना सक्सेसफुल होंगे या कितना मतलब रिजल्ट दे पाएंगे, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत करनी है। आगे जो होगा वो ऊपर वाला है देखने के लिए कि क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या हमारी किस्मत में क्या रखा है वो देखें। आप लोगों ने शायद ये भी सुना होगा, God helps those who help themselves, ठीक है, तो पहले अपनी मदद तो करिए फिर उसके बाद गॉड को बोलिए कि आपने मुझे ये दिया और ये नहीं दिया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी चीज के लिए कोई भी चीज, चाहे पढ़ाई करें, चाहे कोई टास्क के लिए काम करें, इसको बहुत इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी इंटरनल हमारे अंदर की कठिनाई, घबराहट बहुत होती है। आप लोगों को भी होती है, एग्जाम के पहले मुझे तो बहुत होती, मतलब एग्जाम के पहले मुझे कई रातों नींद नहीं आती, और अगर ऐसा होता है ना तो मैं बोलती बहुत अच्छा लक्षण, यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी पक्की। घबराहट किसको होगी, जो पढ़ेगा उसको होगी। देयर इज कंफ्यूजन व्हेन यू स्टडी, देयर इज नो कंफ्यूजन व्हेन यू डोंट स्टडी। जिस आज आपकी क्लासेस में रहे, मतलब आपसे आपकी चर्चा कर रही हूँ, उस तरह से हम लोग बहुत सारी क्लासेस अपने कर्मचारियों के साथ भी लेते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं। जैसे कल गौरेला में मैं थी, वहाँ पर इससे भी ज्यादा लोग थे, उन्होंने बड़े कार्यकर्ताएं थी, बताने की जिनको कि ऐसा हम अपनी थियरी की स्ट्रेंथ के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और इशू ये है कि आप जब हम बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में साथ लेकर काम करते हैं, आप उनको डांट के छुटका के काम नहीं, जो चीज काम कराती है वो है मन की शक्ति। तो मन की शक्ति हमको अपने अंदर भी बिल्डअप करनी है, हमारे आसपास ऐसा एनवायरमेंट भी बिल्ड करना है कि आपके आने से उस कमरे में रौनक आ जाए और अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली सब लोग आपके साथ जुड़ जाए। तो डांट के वो नेगेटिव कार्यवाही करके आप नहीं कर सकते, आपको माहौल को आपको अपने आसपास के एनवायरमेंट प्लेजेंट बनाना, ठीक है। और उस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि अपन हम जो भी चीज करते हैं आप देखेगा हमको सबसे पहले लगता है कि ये नहीं होता। स्पेशल एग्जाम्पल देगा, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे तो पता था कि मेरा नहीं होगा, मुझे 100% पता था, शुरू किया मैंने इस इंटेंसी से शुरू भी नहीं किया था कि मेरा होगा, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि शास्त्री मेरा होगा, कभी नहीं, क्योंकि मेरा कभी ऐसा ओरिएंटेशन नहीं था। मैं MBA फाइनेंस हूं, तो मेरी पढ़ाई भी ऐसी नहीं थी कि मैं शास्त्री से पढ़ना है, वो तो किस्मत और सिचुएशंस ऐसे बने कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और ऊपर वाले की सहयोग से मैं
एग्जाम 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 क्लियर होते चले। लेकिन इश्यू यह है कि जब हमने कोई चीज सोच ली और हमने कोई चीज ठान ली, हमने अपना सेल्फ अपने अंदर का इनपुट कितना है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते। मैं बोलती हूँ दिन में 4 घंटे की पढ़ाई बराबर, लेकिन आप कैसे पढ़ते हैं, कितनी इंटेग्रिटी से पढ़ते हैं वो अपनी कितनी ताकत लगाते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, आई डोंट नो इस क्लास में है यहाँ है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे बस इससे तैयारी करते हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वक्त तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रात रात में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्लासेस के बाद 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, है क्या होंगे कुछ लोग 8-10 घंटे पढ़ाई करते। मेरा ऐसा मानना है इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, जरूरत इस चीज की है कि आपकी बिना क्वालिटी पढ़ाई, और क्वालिटी पढ़ाई आपके अंदर से तभी निकलती है जब आपके दिल में आती है। तो मुझे तो ये करना क्या होगा, हद से अधिक होगा कि नहीं होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, इससे भी इम्पोर्टेंट कि ठीक है नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा ये मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल थोड़ी नहीं। अगर मैंने पढ़ा, मुझे अपनी पूरी ताकत करा के पढ़ा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा जीवन खराब हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं, इसका मतलब ये कि जीवन में और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट और अच्छी चीजें हैं जो अभी आपका वेट कर रही है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन ये मोमेंटम तब तक होना चाहिए जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं। एग्जाम लिखने के जस्ट बाद आपको मोमेंटम चेंज करना चाहिए, मैंने अपना 100% एफर्ट दिया, अब अगर होता है तो ऊपर वाले की कृपा है, नहीं होता है तो मैं कुछ और बेहतर करूंगा। लेकिन जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं साथियों, मतलब मुझे बिल्कुल अपने 15 साल पहले वाला वो पीरियड याद आ रहा है जब मैं पढ़ा करती थी, आपको तो सही अनुरोध है बेटा, किसी कुछ भी आप तैयारी करें, चाहे कोई मिशन लेके चले, कोई ऑब्जेक्टिव लेके चले, कोई